पब्लिक टीवी आपकी आवाज। किसानों के गन्ना बकाया भुगतान समेत अन्य मांगों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन भाकियू के आह्वान पर सैकड़ों किसानों ने सोमवार को मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल के सभी चीनी मिल प्रतिनिधियों एवं गन्ना अधिकारियों के साथ भाकियू नेताओं की सामूहिक वार्ता हुई। मंडलायुक्त ने मिल प्रतिनिधियों को 15 फरवरी तक हर हाल में बकाया भुगतान के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं होने पर मिल मालिकों पर कार्यवाही की जाएगी। गन्ना के बकाया भुगतान जंगली एवं आवारा जानवरों के आतंक बिजली की अघोषित कटौती, किसान के बिजली कनेक्शन काटने समेत कई मुद्दों को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलित हैं। 25 जनवरी को सैकड़ों किसान पीलीकोटी चौराहे पर कब्जा कर चुके हैं। भाकियू के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सैकड़ों किसान सोमवार दोपहर 1 बजे अम्बेडकर पार्क में एकत्रित हुए। किसानों ने बकाया भुगतान के लिए आरपार की लड़ाई का आह्वान किया। भाकियू नेताओं ने मंडलायुक्त यशवंत राव से मंडल के सभी गन्ना अधिकारियों एवं चीनी मिल प्रबंधकों को सामूहिक वार्ता में बुलाने की मांग की। करीब दोपहर 3 बजे अधिकतर जिलों के अधिकारी एवं चीनी मिल प्रतिनिधियों के मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचने के बाद किसान जुलूस की शक्ल में अंबेडकर पार्क से मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे। किसान नेता गौरव टिकैत और महासचिव विजयपाल सिंह के नेतृत्व में मंडलायुक्त कार्यालय पर नारेबाजी कर किसान धरने पर बैठ गए। जिलाध्यक्षों एवं मंडल पदाधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बैठक में शामिल हुआ। बैठक में भाकियू पदाधिकारियों ने किसानों की समस्या रखी और बाहर धरना चलता रहा। करीब 7 बजे तक वार्ता एवं धरना चला। मंडल महासचिव नीरज चौधरी ने बताया कि बैठक में करीब 20 मिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मंडलायुक्त ने मिल प्रतिनिधियों को 15 फरवरी तक बकाया भुगतान करने के आदेश दिए। मंडल की 4 डिफाल्टर मिलों के पिछले साल से बकाया भुगतान नहीं करने पर मिल मालिकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की चेतावनी दी। बैठक में अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। किसानों ने कहा कि जंगली और आवारा जानवर किसानों के लिए मुसीबत बने हैं, खेती बाड़ी के साथ किसानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। किसानों ने कहा कि बिजली विभाग किसानों का शोषण कर रहा है। ग्रामीण इलाकों में 5 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। बकाए के नाम पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं। यूरिया के संकट और चकबंदी की समस्या भी उठी। मंडलायुक्त ने मंडलीय विभागीय अधिकारियों के साथ जल्द बैठकर इसका समाधान करने का आश्वासन दिया। बैठक में शामिल किसान प्रतिनिधियों ने धरना पर बैठे किसानों को वार्ता की जानकारी दी। 15 फरवरी तक गन्ना बकाया भुगतान की डेडलाइन से किसान धरने से उठ गए। इस दौरान महेंद्र सिंह रधावा, डॉक्टर नौ सिंह, गौरव तोमर, दिगंबर, धनवीर सिंह बालियान समेत सैकड़ों किसान मौजूद रहे। देखो, किसान पूरी तंगी हालात में है। उसको भुगतान की सबसे बड़ी समस्या है। बिजली के रेट जिस तरीके से बढ़ गए, इतनी जबरदस्त वृद्धि कभी किसी सरकार में नहीं हुई बिजली। भुगतान की समस्या है, आवारा जो पशु हैं उनकी समस्या है। ये सारी चीजों को लेकर आज का ये आयुक्त का घेराव यहाँ का है। मंडल के समस्त पदाधिकारी इसमें हैं और भाई लड़ाई जारी है, वार्ता इनकी जारी है। अब देखते हैं क्या होता है। अगर कोई समाधान नहीं निकलता तो इसको प्रदेशव्यापी रूप दिया जाएगा। आज अगर वार्ता विफल हुई तो क्या करेंगे? देखो, वार्ता विफल तो भाई यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ की जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं भाई उसकी दोषी है। भाई किसान की मांग जायज मांग है, वो कोई गलत मांग नहीं कर रहा। वो भाई उसका भुगतान है, सरकार का खुद का आदेश है 14 दिन में भुगतान करें। तो यानी कि फिर सरकार झूठ बोल रही भाई। अगर किसी भी चीज में कोई गलत मांगों को लेकर किसान अगर धरना दे रहा तो भाई किसान के पास सारी चीज जगह हथियार है, यहाँ से ये उठाने का काम कर दो।